नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है ऑटोमोबाइल ज्ञान बाय गगन यानी कि AGBG की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर चार्जर्स के बारे में। सुपर चार्जर्स सबसे पहले मेरे ख्याल से ज़्यादा मतलब डिस्कशन में वहाँ आया था जब मैंने टर्बो चार्जर की वीडियो बनाई थी। टर्बो चार्जर वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ मैं लिंक कर दूंगा, वो अगर आप पहले देखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो ये सुपर चार्जर टर्बो चार्जर जो है वो मैकेनिकल पार्ट्स है जो कि अगर इंजन के साथ लगाए जाए तो इंजन की पावर बढ़ जाती है। तो बड़ी कमाल की चीज़ है और मतलब यूजुअली इंटरेस्ट बना रहता है ऐसी चीज़ों में कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन सब की बात करेंगे, आज बात करेंगे सुपर चार्जर के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, टर्बो चार्जर से इसका थोड़ा थोड़ा जो लिंक है उसकी बात कर लेंगे, क्यों ये बेटर है या क्यों टर्बो चार्जर बेटर है, उन सब चीज़ों की भी बात कर लेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने आज तक कभी भी मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बोला होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह, लेकिन आज मेरी एक रिक्वेस्ट है इसी चीज़ से रिलेटेड, वो ये YouTube ने रिसेंटली नोटिफिकेशन का सिस्टम जो है वो बदला था 2-3 महीने पहले और तब से जो है चैनल को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो प्लीज़ आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो सब्सक्राइब जहां आप करते हैं उसके पास में नीचे एक ऑप्शंस का बटन आता है सब्सक्राइब करते वक्त, तो वहां पे ऑप्शंस पे आप क्लिक करें और नोटिफिकेशन में जहां रैंडम दिया हुआ है उसकी जगह ऑल पे क्लिक करें। रैंडम में क्या होता है कि यूजुअली आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है अगर आपने 2-3-5-6 से ज़्यादा चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है, जो कि आमतौर पर सभी लोग करते हैं। तो उस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर आपको सच में मेरी वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ ये काम कर दीजिए। मैंने कभी भी आज तक अपनी वीडियो में शायद नहीं कहा होगा ये लाइक शेयर, मुझे नहीं लगता मैंने किसी भी स्टार्टिंग में नहीं कहा होगा, हमेशा मैं एंडिंग में ही कहता हूँ। आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अब बात करते हैं सुपर चार्जर्स की। सुपर चार्जर्स जो है वो पहले तो टर्बो चार्जर्स क्या होता है कि मतलब एग्जॉस्ट गैस जो होती है उसके बेस पे काम करता है, जैसे अगर आपने ऑलरेडी समझ रखा है। सुपर चार्जर्स में क्या होता है, टर्बो चार्जर्स तो एक रेंज के बाद शुरू होते हैं ना, सुपर चार्जर्स ऑलरेडी इंजन से ही एनर्जी लेते हैं। तो क्या होता है, एक मैकेनिकल पार्ट जो है वो इंजन पे लगा दिया जाता है या फिर बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जैसे ही आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं वो एक्स्ट्रा एयर, मतलब जो नॉर्मली इंजन एयर सक करता है नेचुरली एस्पिरेटेड तरीके से, उसके अलावा एक्स्ट्रा एयर जो है वो ठूंसते जाते हैं इंजन के चैम्बर्स में, सिलेंडर्स में, और उसकी वजह से एक ही स्ट्रोक में ज़्यादा फ्यूल और एयर जो है वो बर्न होती है और ज़्यादा पावर निकल पाती है एक पर्टिकुलर स्ट्रोक में। इस वजह से सुपर चार्जर जो है, क्योंकि वो इंजन के साथ में काम कर रहे हैं तो वो इंजन स्टार्ट होते ही काम करेंगे, यानी कि आपको इनिशियल से ही पावर मिलेगी। टर्बो चार्जर में दिक्कत क्या होती है, पावर लेट मिलना शुरू होती है जब टर्बो घूमने लगता है, तब मतलब वो एग्जॉस्ट गैस जाएंगी टर्बो घूमेगा। यहाँ पर तो भैया इंजन के साथ ही, मतलब जो सुपर चार्जर उसको चलाने का लोड है वो भी इंजन ही बियर करता है। तो आप समझ रहे हैं मैकेनिकल फायदा क्या होगा वो देखो, मतलब लॉजिकल चीज़ है, फायदा ये होगा कि आपको स्टार्ट से ही पावर जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगी। तो सुपर चार्जर डेफिनेटली यूज़ कौन करेगा, जिनको ऐसी बाइक्स या ऐसी कार्स चाहिए जिनमें परफॉर्मेंस ज़्यादा हो। जी हाँ, बाइक्स में सुपर चार्जर्स आते हैं, टर्बो चार्जर्स बाइक में कम आते हैं, सुपर चार्जर्स ज़्यादा आते हैं। रेसिंग बाइक्स जो होती हैं उनमें सुपर चार्जर होते हैं, फॉर एग्जांपल कावासाकी की ये जो बाइक है इसमें भी सुपर चार्जर दिया गया है। अब ये सुपर चार्जर 2-3 टाइप के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, रूट्स, सेंट्रीफ्यूगल और स्क्रू टाइप। तो ये अलग अलग टाइप के सुपर चार्जर्स के अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, लेकिन मेन फंक्शन जो सुपर चार्जर का वो ये है कि भैया स्टार्ट से ही आपको एक्स्ट्रा एयर जो है वो कंप्रेस करके डालेगा या मतलब प्रेशर डाल के एयर जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा चैम्बर में, सिलेंडर में, और वहां से आपको एक्स्ट्रा पावर जो है वो जनरेट होगी। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, टर्बो चार्जर जहाँ एफिशिएंसी बढ़ा देता है इंजन की, क्योंकि वो क्या करता है मतलब इंजन से कोई पावर नहीं लेता है बल्कि जो एग्जॉस्ट गैसेस जा रही है उन्हीं से पावर जो है उन्हीं की पावर से घूमता है और वापस एक्स्ट्रा फ्रेश एयर जो है इनटेक में डालता है, वहाँ पे वो एफिशिएंसी बढ़ाता है यानी कि माइलेज गाड़ियाँ ज़्यादा देती है। लेकिन टर्बो चार्जर के बजाय यहाँ सुपर चार्जर जो है वो माइलेज कम कर देते हैं क्योंकि वो इंजन की ही पावर से पावर लेते हैं। मतलब ये एक तरीके से आप स्टूपिड आइडिया हो गया अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके इंजन की पावर बढ़ाने के लिए इंजन की ही पावर को यूज़ किया जा रहा है। तो डेफिनेटली माइलेज तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ जिनको पावर चाहिए उनको माइलेज की टेंशन नहीं होती। जो मतलब रेसेस कर रहे हैं ट्रैक्स वगैरह पे उनको माइलेज की चिंता नहीं है, उनको चिंता है तो फटाफट गाड़ी कितनी जल्दी कितनी तेज स्पीड पकड़ सकती है, उन सब चीज़ों की चिंता वो करते हैं। सुपर चार्जर्स वहाँ काम आते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी, आप नहीं देखेंगे किसी भी कमर्शियल चीज़ में सुपर चार्जर्स यूज़ किया जाए, मतलब पैसेंजर्स जो कंप्यूटर सेगमेंट में सुपर चार्जर यूज़ किया जाता है, कमर्शियल में किया जाता है, टोइंग बड़े बड़े टोइंग व्हीकल्स होते हैं उनमें किया जाता है, क्योंकि इनिशियल लोअर आरपीएम पे ज़्यादा पावर के लिए सुपर चार्जर्स जो है बेटर चीज़ होते हैं टर्बो चार्जर की बजाय। फ्यूल एफिशिएंट डेफिनेटली टर्बो चार्जर है और फ्यूचर भी उन्हीं का ज़्यादा रहेगा। अगर किसी तरीके से इलेक्ट्रिक टर्बो चार्जर लगा दिया जाए जो मतलब लो आरपीएम पे काम करने लग जाए तो बेटर होगा। एक तरीके से देखा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल जो सुपर चार्जर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल टर्बो चार्जर्स ही होते हैं, मैकेनिकल ऑलमोस्ट सेम होता है उनका।
तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये टर्बो चार्जर सुपर चार्जर वाले मिक्स की जो बनाई है, सुपर चार्जर से ज़्यादा फोकस करके जो रखी गई है, पसंद आए दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो, और वो जो मैंने ऑप्शंस करके आपको नोटिफिकेशन ऑल वाला बताया प्लीज़ मत भूलना, रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए दोस्तों। मैं रोज आपके लिए एक नई वीडियो लाता रहता हूँ, अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।